दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रही वनडे सीरीज में भारतीय टीम को दूसरे मुकाबले में भी हार का सामना करना पड़ा। अब तीसरे मुकाबले से पहले टीम इंडिया को तीन बड़े झटके लग गए। रोहित शर्मा समेत टीम के तीन खिलाड़ी आखिरी वनडे मैच से बाहर हो गए। वही रोहित शर्मा का टेस्ट सीरीज में भी खेलना अभी मुश्किल दिख रहा है। दूसरे मैच के बाद टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने बताया कि रोहित शर्मा समेत तेज गेंदबाज दीपक चहर और कुलदीप सेंचुरी होने के कारण आखिरी वनडे से बाहर हो गए। राहुल द्रविड़ ने रोहित की चोट को लेकर कहा, रोहित मुंबई वापस जाएंगे, एक एक्सपर्ट से सलाह लेंगे कि यह कैसा है और पुष्टि करेंगे कि वह टेस्ट सीरीज के लिए वापस आ सकते हैं या नहीं। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन वह निश्चित रूप से अगले मैच से बाहर हो जाएंगे। आपको बता दूं कि दूसरे मैच में बांग्लादेश की बल्लेबाजी के समय दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर रोहित शर्मा को स्लिप में कैच पकड़ते हुए हाथ में चोट लग गई थी, जिसके बाद रोहित को मैदान छोड़ के जाना पड़ा था और उनकी जगह मैच की कप्तानी केएल राहुल ने की थी। रोहित ने भी मैच के बाद अपनी चोट को लेकर कहा, अंगूठे की चोट बहुत बड़ी नहीं है, कुछ डिसलोकेशन और कुछ टाके लगे लेकिन फ्रैक्चर नहीं, इसलिए मैं आकर बल्लेबाजी कर सका। रोहित के अलावा तेज गेंदबाज कुलदीप सेन भी चोटिल हो गए। कुलदीप ने सीरीज के पहले मैच में डेब्यू करते हुए खेला था, जिसके बाद वो भी चोटिल थे और दूसरे मुकाबले में नहीं खेल पाए और अब तीसरे मुकाबले से भी बाहर हो गए। वही दीपक चहर भी दूसरे मैच में चोटिल हो गए, वो भी तीसरे मैच से बाहर हो गए। दीपक ने दूसरे मैच में केवल तीन ही ओवर डाले थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी स्पोर्ट्स से जुड़े वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।